हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो चलिए, कल के तीन वीडियोस के कमेंट्स लेके मैं हाजिर हूँ। लास्ट का एक वीडियो जो मैंने बहुत लेट छोड़ा था, उसमें कुछ कम कमेंट्स है। ऐसे भी कम कमेंट्स ही आजकल मेरे पास आते हैं, क्योंकि आप लोग कोई मुझे इतना कमेंट करते नहीं हूँ, और जो भी आप लोगों ने किया है उस कमेंट को बोलना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ आपके कमेंट्स के वीडियो लेके। तो सबसे पहले जिसमें पंडित आया है अपनी बेटी के लिए, अंकित को मनाने के लिए, उस वीडियो के कमेंट्स में शुरू करती हूँ। सबसे पहले जयश्री बहन का मैसेज पढ़ूंगी। जयश्री बहन ने लिखा है, दीदी सही कर रहा है अंकित, थैंक यू जयश्री बहन। ये तो हाँ, सही तो कर रहा है, ये तो बात सही है। गीता जी ने और रेणु गुरंग जी ने मुझे लिखा है, बिल्कुल सही बोला सिस्टर, आपने हाथ भी दिया, थैंक यू सो मच आप दोनों को। सुजाता जी ने लिखा है, दीदी अंकित जो कर रहा है सही कर रहा है, वेरी गुड, सही कर रहा है, पर एक औरत के नज़र से देख रही हूँ तो एक लड़की को थोड़ा इंसाफ मिलना चाहिए। पंडित की बेटी है, शातिर है, सब जानती हूँ, पर फिर भी अगर अंकित ने शादी किया है तो निभाए, और कुछ नहीं। उसके बाद माधुरी जी जो मुझे सबसे पहली बार मुझे मैसेज कर रही हैं, उन्होंने लिखा, शाबाश अंकित, तेरे सभी गुनाह मैंने माफ़ किए। ये तो मैंने भी किया, क्योंकि बहुत अच्छा काम अंकित ने किया है। एच वैलेस जी ने मुझे लिखा है, लेकिन पंडित ने जो अपनी बेटी को पाउडर ध्रुव को वश में करने को दिया, उसका राज गुनगुन को तो नहीं मालूम, क्या वो सब ये लड़की के कारना में नहीं देखा क्या? पता नहीं, मुझे तो लगता है जितने वीडियो सब हमारे लिए ही होते हैं, इनको कोई वीडियो से मतलब नहीं होता। अब मैं देख लेती हूँ किसी का अगर मैसेज रह गया हो, नहीं किसी का नहीं है, सबका मैंने पढ़ लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने तीसरे वीडियो की ओर, जिसमें गुनगुन के सामने अपनी बीवी को बात सुना रहा अंकित। सबसे पहले विनीता जी का मैसेज, उन्होंने लिखा, अंकित है मुंह तोड़ जवाब दिया, अंकित ने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया, थैंक यू विनीता जी। रेणु गुरंग जी ने लिखा, बिल्कुल सही बोला सिस्टर, आपने हार्ट भी दिया, थैंक यू रेणु जी। जोस्फिन जी ने लिखा है, कॉल फॉर समर्स मदर, शी इज विटनेस, एग्जैक्टली। हाँ जाओ, हाँ जा रही, रुको। फिर जोस्फिन जी ने लिखा है, राइट व्हाट यू सेड, बट दीज फैमिली आर थिक इन द हेड, ओनली फॉर देमसेल्व्स, एग्जैक्टली। बस मेरे पास इतने ही मैसेजेस थे, अब मैं देख लेती हूँ किसी के पास कोई किसी का मैसेज और हो, नहीं। आप सबको थैंक यू, जोस्विन जी थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और उसके बाद मैं देख लेती हूँ मेरी तीसरी, अच्छा नमस्ते, रुको। फिर मेरे तीसरे वीडियो की ओर मैं जा रही हूँ। समीर जी ने मैसेज किया, उन्होंने लिखा है, पंडित की लड़की है तो शातिर, लेकिन है तो लड़की, अंकित को लड़की को रख लेना चाहिए। यही बात मैं भी कह रही हूँ, शातिर है पर है तो लड़की, इसलिए उसे उसके बाद थोड़ा सोचना चाहिए, थैंक यू समीर जी। रीमा जी ने लिखा है, यू आर राइट। हर्षा जी अपने हाथ भी दिया, थैंक यू रीमा जी। और हाँ, अहमदाबाद में बहुत गर्मी है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं अहमदाबाद में खुद कुछ दिन रही थी, मेरी ननद की वहाँ शादी हुई थी ना, इसलिए तो घूमने जाती थी, बहुत गर्मी रहता था वहाँ, तो आप लोग छाता भी नहीं लेते हो भाई इतने धूप में, सब पट्टी वट्टी, सब पूरा मुँह हाथ सब ढक के चलते हो, मेरे से नहीं होता है, मेरे का दम घुटता है एकदम। जोस्विन जी ने लिखा है, गुनगुन शुड कॉल फॉर हर फादर, व्हाई शी इज कॉलिंग समर, गुनगुन नॉट लेस लुकिंग टू ब्रेक राधिका'स हाउस, एग्जैक्टली। विनीता जी ने लिखा है, गुनगुन के पेट में बच्चा था, वो कब होगा, किसी दिन तो खूब पेट बड़ा लगता है और किसी दिन पुचक जाता है, एकदम मेरा भी यही सवाल है भाई, बच्चा कब आएगा? बच्चा तो आने वाला है नहीं इस जन्म में, अब कौन सा जन्म आएगा वो गुनगुन ही जाने। और मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज, नहीं आप किसी का मैसेजेस नहीं है। अब मैं देख लीजिए, कल के कमेंट के वीडियो में कुछ मैसेजेस मुझे मिले थे। तो सबसे पहले नंदिनी जी ने मुझे हार्ट और बुके भेजा है, थैंक यू सो मच नंदिनी जी। ब्रजेश जी की आईडी से विनीता जी ने मुझे हार्ट भेजा है, थैंक यू विनीता जी। और रीमा जी ने कहा, थैंक यू हर्षा जी, मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन यहाँ गर्मी बहुत है अहमदाबाद में, सही बात है, आपने एकदम सही कहा, हमारे कोलकाता में बहुत गर्मी है, दो दिन ये तूफान बारिश इतनी हुई, कल से सारा सब कुछ बंद हो गया और कल रात से जो गर्मी लगना चालू हुआ, मैं क्या बताऊँ, इतनी गर्मी है कि बयान नहीं कर सकती, और अभी भी हालत ख़राब है। और जिस रूम में मैं कमेंट, और अपना ये रूम है, ये हमारे ऊपर वाला रूम है जिसमें हम लोग, गेस्ट रूम है ये, मगर गेस्ट तो कोई इसमें आता रहता नहीं है, तो इसको स्टोर रूम ही कम बना के हम लोग रख दिए हैं। तो ये रूम में ही मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, और इसी रूम में मैं अपना ये कमेंट का वीडियो बनाती हूँ, मुझे ईजी लगता है ये रूम में बनाना, तो इसमें ना पंखा है ना कुछ, बहुत गर्मी लगता है, इस गर्मी में मैं सारा काम अपना करती हूँ। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आ जाओ, ये देखो इसका भी हालत, उसको इतनी घमोड़िया हो गई है कि इसको भी मैं ऐसे ही रखी हूँ, बहुत गर्मी है, मुँह नहीं धोया हिप्पी नूडल्स खा के, चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय।
जय हिंद वंदे मातरम कौन बोलेगा? जय हिंद वंदे मातरम अच्छा और मम्मा बोलेगी, मम्मा तो बोल दी जय हिंद वंदे मातरम जय हिंद वंदे मातरम।